प्लान है ना कि मैं जिस फोन से आप लोग शूट कर रहे हो, मैं जिसे आप देख रहे हो रोज का, ये आईफोन 12 है और आईफोन 12 का मैंने एक साल का पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। गाइस हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग्स। गाइस अभी दादी देख सकते हो यहाँ पर, ये दादी आप ये सब यहाँ पर रखा था, तो यहाँ पर दरवाजा के साइड एक दिन क्या हुआ कि बाहर से एक गाय आई, गाय आके यहाँ से खींच के चली गई। दादी को मालूम, ढूंढ रही नीचे कहाँ गया। तो गाइस अभी मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ। मैं गाइस अभी अक्षत आया है घर पर, क्योंकि उसको थोड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हम फॉन्ट देख रहे कौन सा अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताना, पर तब तक तो भाई वो चला गया होगा है। सबमिशन इफेक्ट ऑफ जंक फूड ऑन माइंड, कौन सा सही लग रहा है, और ऊपर वाला ये बिग जॉन कैसा दिखते हो, बिग जॉन, ओए बाप रे, ये नहीं गाइस, ये सही लग रहा है। अभी और भी ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हो पांच, वो पांचों टॉपिक्स के पूरा एक टॉपिक का कितनी, दो स्लाइड बनानी है ना। ओ यस, दो स्लाइड बनानी है, फिर देखने क्या करते हैं। एस्थेटिक देख रहे हो गाइस, ये भाई कौन सी सब्जी बनने वाली आज मम्मी? लौकी और आलू। अच्छा लौकी और आलू, अरे शाबाश। और यहाँ पर चाय बन रही है दादाजी के लिए, गर्मा गर्म, देख सकते हो सामने दादाजी खड़े। तो गाइस आज कौन आने वाला है मम्मी घर पे? दादाजी के भाई आने वाला है, उसने मोतिया उतारा है। मोतिया भाई, आँखों में वो होता है, बड़ा हो जाता है ना, जब मोतिया आ जाता है फिर क्या होता है मम्मी? फिर मोतिया उतारना पड़ता है, उतारना पड़ता है। प्रॉपर इंडिया में फिर मोतिया उतारना पड़ता है और पाटा बांधना पड़ता है, पाटा और पाटा बांधने के बाद दो दिन के बाद खुल जाता है और फिर काले चश्मे पहन के रहना पड़ता है। अच्छा ठीक है, पड़ता है गाइस, नो पड़ता वॉस हार्म इन दिस वीडियो। दादाजी की चाय देनी जाती हूँ, जा रो। तो गाइस चलो, अभी बज चुके हैं, अभी तो 11:50 हुई है, अभी रोटी कहाँ बनाएंगे, अभी बस वो बना के रखा है, 12:30-1 बनाएंगे। मैं तुमने सीखो ये मत करो भानु, हाँ यार वही बात कर रही है। हाँ मतलब दादी ऐसा बोल रही है कि पापा वरना जो पट्टी और टोपा वो सब पहनते नहीं है, ऐसे ही ठंडी में ऐसे ही गाड़ी लेके चले जाते, तो सर्दी जुकाम हो चुका है उनको, तो भाई काफी खतरनाक हो चुका है। वैसे आजकल ठंडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, तो मतलब इतना मतलब ऐसा होता है कि भाई मतलब तुमको घर पर बैठना पड़ेगा, बहुत उनको जुकाम हो चुका है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। आज वो बोल रहे थे कि मैं दवाई लेने जाऊंगा सुबह, कल रात को बहुत हो गया था, फिर वो अदरक फिर काढ़ा, हाँ वो सब पिलाया, सही लग रहा है अभी। ये रूम में इतना मच्छर हो रखा है भाई साहब, मैं क्या बताऊं भाई, आज सुबह सुबह है ना भाई, पूरा अगरबत्ती और वो सब रखा भाई मच्छर मारने, ये देख रहा तुम लोग, इतने मच्छर भाई यहाँ से, मैंने जैसे ये निकाला, यहाँ पर पर्दा रख रहा हूँ मैं, तो मैंने जैसे से निकाला वैसा इफेक्ट आया, ओए बाप रे इतने मच्छर उड़ गए भाई, बहुत मच्छर भाई रूम में, यार ये पूरा दिन रूम है ना खाली रहता है, फिर भी मच्छर, बताओ यार, पूरा पैक रहता है, कोई आता जाता नहीं, ये पैक रहता है एक रूम, मतलब रहता तो हम है तो मतलब पूरा पैक रहता है, फिर भी मच्छर, बताओ भाई कहाँ से भाई मच्छर इतना ज्यादा, यहाँ धूल भी इतनी ज्यादा हो जाती है ना भाई, और सबसे बड़ा मेन कारण ये पंखा धूल लेकर आता है ऐसे, क्या बताऊं भाई मैं, इतने मच्छर भाई, ये देखो इधर उड़ रहा, क्या कैमरा में आ नहीं रहा है, बट बहुत मच्छर भाई। तो गाइस अभी मैंने एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर दादी हमारे साथ यहाँ पर लड्डू खा रही है। ये वीडियो उतारो, इतने लड्डू खा रही है, मुमरा का लड्डू है, मुमरा, अरे भाई साहब मैंने एक खाया, हम सब एक एक खा रहे, मजा आ रहा है भाई, बारी बारी कितना सही लगता है। कैसे बनाया जाता है भाई ये लड्डू? गुड़, अच्छा गुड़ को गर्म करके मुमरा डाल दे, अच्छा मुमरा उसके अंदर डाल के उसका गोल बना देते हैं, अच्छा अच्छा मम्मी आप भी खाओ एक, गुरुवार, अच्छा गुरुवार है ना, हाँ
तो चलो गाइस एडिटिंग अमली के पास सामने बैठा हूं। हां कौन सा ये? हाँ ये इतना ये, हाँ यही बोल रही। ये देखो यहाँ तक तो ठीक है, ये देखो यहाँ तक टच हो सकता है, थोड़ा सा और भी आ सकता है, अंदर जा नहीं रहा। वहां पर दिक्कत होती है चढ़ने में, अंदर को आता है ना, क्योंकि एक ही स्पेस है, क्योंकि हम मतलब हर एक दो महीने में चेंज करते रहते हैं ऐसे ऐसे जगह, क्योंकि ये इस तरफ कर देते और ये बेड उस साइड और वो सब थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है अच्छे से काम। सो गाइस अभी जो बुक आप लोग देख रहे थे, ये बुक से मैं अभी ये पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ इस बुक में, क्योंकि प्लान है ना कि मैं जिस फोन से आप लोग शूट कर रहे हो, मैं जैसे आप देख रहे हो उसका ये आईफोन 12 है, और आईफोन 12 का मैंने एक साल का पूरा कंप्लीट कर रखा है, एक साल से ऊपर हो चुका है, नवंबर में एक साल हो गया था फोन का। तो गाइस मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ अपन वीडियो बनाए जिसमें मैं अपनी व्लॉगिंग चैनल पर वीडियो आएगा कि एक साल बाद मैं क्या मेरा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि मेरे को कैसा लग रहा है। स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ भी, जैसे आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना, सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी ऑनेस्ट रिव्यू दूं कि मेरा आईफोन 12 से मैंने क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स और क्या क्या प्लस पॉइंट्स है, तो उसके बारे में क्या है आज खाने में रात को, आलू की सब्जी खिचड़ी, अच्छा रोटी, बैंगन आलू की सब्जी खिचड़ी और रोटी, बहुत ही बढ़िया। कि अभी ऐसा प्लान बनने वाला है कि आप जो मैं साइकिल देखते हो हमेशा यहाँ पर हमारे घर में, ये देख सकते हो ये साइकिल, ये जो साइकिल है अभी तो इसमें ये बैग दोनों साइड भाई, दोनों साइड बैग, ये साइकिल, तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि साइकिल है ना तो उसका थोड़ा ऐसा वर्कआउट करे, एक महीने का पूरा चैलेंज रखते, चैलेंज डे 1 से लेकर 30 डेज तक अपना पूरा रखने वाले चैलेंज, बट अभी कुछ इसमें ऐसा चल रहा ना कि 15 दिन में वापस एग्जाम आ जाएगी, अभी खत्म हुई थी वापस आ जाएगी, क्योंकि कॉलेज सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ और भगाए जा रहे, तो थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो उसके लिए कभी ट्राई करूंगा कि अभी सोच रहा हूँ कि कैसे कैसे होगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही सोचे बिना अगर मैंने स्टार्ट कर दिया ना वर्कआउट, आप लोग देख रहे हो, अगर मैंने ये सोचे समझो वर्कआउट स्टार्ट करें तो फिर बीच में से छोड़ना मजा नहीं आएगा, तो ऐसे ऐसे टाइम लेकर पूरा देख के शेड्यूल फिक्स करके बनाएंगे ऐसा वीडियो, ठीक है, वर्कआउट स्टार्ट करेंगे जिससे अपना बॉडी भी मस्त कंट्रोल आ जाए लेवल। तो चलो गाइस अभी यहाँ पर मैं व्लॉग एंड करने वाला हूँ, क्योंकि ये पूरी स्क्रिप्ट लिखनी की है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट से पूरा डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर व्लॉग एंड करने का टाइम है, जो गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो, इफ यू लाइक माय व्लॉग, देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, एंड एवरीबॉडी टेक केयर, पीस आउट गाइस।